में नीतीश कुमार की सरकार ने शराबबंदी लगा रखी है, लेकिन शराबबंदी के बावजूद राज्य के अंदर लगातार शराब के इस्तेमाल और तस्करी के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने तंज कसते हुए ये कहा कि रात में यदि कोई शराब पीता है तो वो पकड़ा नहीं जाता। जीतन राम मांझी के बयान के बाद राज्य के अंदर हड़कंप मच गया और राजद ने इसको लेकर नीतीश सरकार के ऊपर हमला बोलना भी शुरू कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से जब पूछा गया क्या बिहार में शराबबंदी को सही मानते, उन्होंने कहा कि शराबबंदी गलत नहीं है, लेकिन इसे जिस तरह से लागू किया गया वो सही नहीं। जीतन राम मांझी ने इस बात की भी आलोचना की कि शराबबंदी कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि गरीब व्यक्ति बहुत कम यानी कि 250 ग्राम शराब भी पीता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता। उन्होंने कहा कि लेकिन वही लाखों की शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती, उसे गिरफ्तार करना तो दूर उसे छोड़ दिया जाता। यदि कोई रात में शराब पीता और वो पकड़ा नहीं जाता, इस बारे में सरकार की साफ नीति होनी चाहिए, लेकिन सरकार की नीति दोहरी है। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि राज्य में शराबबंदी का निर्णय काफी विचार विमर्श और सामूहिक रूप से किया गया, लेकिन वर्तमान में शराबबंदी की नीति पर समीक्षा करने की जरूरत ताकि इससे गरीबों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने आगे कहा कि शराबबंदी कानून के तहत 5 लाख गरीब लोगों को दंडित किया गया। उन्होंने बार बार सीएम से अपील की कि शराबबंदी के नियमों की समीक्षा की जाए। शराबबंदी के अलावा जीतन राम मांझी से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान आरक्षण पर दिए गए बयान को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये सही नहीं कि राहुल गांधी दूसरे देश में जाकर अनाप शनाप बयान देते। कांग्रेस के नेता को विदेश में जाकर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। इसी बीच जीतन राम मांझी के शराब पीने के बयान के बाद राज्य की विपक्षी पार्टियों ने जीतन राम मांझी और बिहार की नीतीश सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। विपक्षी पार्टी राजेंद्र मांझी पर पाखंड अपनाने का आरोप लगाया। राजेंद्र की ओर से जारी बयान में कहा गया कि केंद्रीय मंत्री सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो रात को शराब पीते हैं। शराबबंदी कानून के तहत गरीबों को गिरफ्तार किया जा रहा। उन्होंने केंद्र मंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की और उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।